वन, बिकॉज पावर जीरो होगा, पावर जीरो मतलब वन, ठीक है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक एग्जांपल देख ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। बेटा यहां पे ओमेगा एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, हमसे पूछा है कि ओमेगा के डायमेंशंस बताओ, तो साइन के डायमेंशन डायमेंशनलेस, और साइन के अंदर ये जो कुछ भी है इसको क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट भी कैसे होगा डायमेंशनलेस। आर्ग्यूमेंट में कितने टर्म है, दो, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो अल्फा के डायमेंशंस वन, डायमेंशनलेस है, और ओमेगा टी के भी डायमेंशंस वन, तो ओमेगा के डायमेंशंस वन बाय टी, ओमेगा के डायमेंशंस वन बाय टी, तो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा विल बी टी टू द पावर माइनस वन, समझा, टी टू द पावर माइनस वन। दूसरा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका भी आर्ग्यूमेंट कैसे होता है डायमेंशनलेस, ध्यान से सुन, मान ले ऐसा है ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा एक्स, ओके। अब तेर से पूछा गया कि अल्फा इंटू बीटा के डायमेंशंस बता, क्या पूछा गया अल्फा इंटू बीटा के, बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डायमेंशनलेस होगा और इसका आर्ग्यूमेंट है ये भी कैसे होगा डायमेंशनलेस, तो क्या रखेगा अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू वन, ये माइनस का कुछ रोल होगा क्या, कुछ नहीं, और बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू वन, जो चीज डायमेंशनलेस होती है उसके जगह क्या रखता है वन, तो इस हिसाब से अल्फा क्या हो गया वन बाई टी एंड बीटा क्या हो गया वन बाय एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है टी टाइम होता है, तेरे को किसके डायमेंशन पूछे अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा कितना है वन बाय टी, बीटा कितना है वन बाय एक्स, तो टाइम के डायमेंशन टी माइनस वन एल माइनस वन, क्लियर है। तो क्या समझ आया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक तीनों फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं और इसके अंदर के आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, मान लो ऐसा है लॉग ऑफ ए वी प्लस बीटा, वेयर वी इज वेलोसिटी, वेयर वी इज वेलोसिटी, तो बोल रहा है ए के डायमेंशंस क्या होंगे, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, उसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस, दो टर्म है अंदर, तो बीटा कैसे होगा डायमेंशनलेस, तो ए वी भी कैसे होगा डायमेंशनलेस, तो ए वी इज इक्वल टू वन रख देना, ए वी इज इक्वल टू वन रख देना, तो ए इज इक्वल टू वन बाय वी, तो वन बाय वी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड रेस टू, सॉरी सेकंड रेस टू प्लस वन मीटर रेस टू माइनस वन, समझ आता है कि नहीं, सेकंड सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा और मीटर प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, तो डायमेंशन ऑफ ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू एल माइनस वन टी टू द पावर वन, क्लियर है। बताओ क्या समझ आया सर, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड देयर आर्ग्यूमेंट आर डायमेंशनलेस, और जो भी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होंगी उसके जगह पावर जीरो आ जाता है, तो पावर जीरो मतलब, पावर जीरो मतलब क्या पुट करेंगे वन, और उसके हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। क्या क्या कवर किया हमने, तीन एप्लीकेशन कवर किए डायमेंशंस के, पहला एप्लीकेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरा एप्लीकेशन इसमें क्या यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, क्लियर है। उसके बाद तीसरा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम पता कर सकते हैं, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अगर हो तो उसके डायमेंशन कैसे पता करना सीखा, और आर्ग्यूमेंट वाले सवाल में कैसे डायमेंशंस पता करते हैं ये सीखा, ठीक है। ये सवाल सॉल्व करो, चलो करो सवाल सॉल्व फटाफट करो, चलो कुछ अटेम्प्ट करो, कोशिश करो। सवाल देख के डर लगता है लेकिन बहुत इजी सवाल है, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाय वी स्क्वायर साइन बीटा टी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर वी इज वेलोसिटी एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अल्फा इज इक्वल टू है एफ बाय वी स्क्वायर इंटू साइन बीटा टी, ठीक है। एक बात बताओ इसमें कितने टर्म है, दो, कितने टर्म है दो,
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अभी सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर आर्गुमेंट्स आर डायमेंशनलेस. तो क्या मैं बीटा टी को वन रख सकता हूँ? बिल्कुल, बीटा टी इज वन. तो बीटा इज वन बाय टी, वन बाय टी. तो डायमेंशंस ऑफ बीटा आर टी टू द पावर माइनस वन. कोई प्रॉब्लम? ठीक है. अच्छा, अब अल्फा के डायमेंशंस के लिए क्या करेंगे? ये इक्वेशन अगर करेक्ट है तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बाय वी स्क्वायर इनटू साइन बीटा टी. बेटा ये साइन बीटा टी तो डायमेंशनलेस है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे. फोर्स के डायमेंशन बोल, एम वन एल वन टी माइनस टू. वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L2 T माइनस टू. मानता है कि नहीं? L2 T माइनस टू, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये एक और ये एक कैंसिल, तो क्या आएगा? M1 L माइनस वन. सही जा रहे हैं ना हम? थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, देखना, बिकॉज दिमाग नहीं चल रहा मेरा. ये क्लियर है? सही है क्या ये? चलो ठीक है, तो ये सॉल्व करो, ये सॉल्व. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कौन सा? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. पहले मेरी बात सुनो और समझो, बाद में हम लाइन टू लाइन क्लियर कर लेंगे. लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. पहली चीज, डायमेंशनल एनालिसिस क्वांटिटी का नेचर नहीं बताता. किसी के डायमेंशन से वो स्केलर है या वेक्टर पता नहीं चलता. दूसरी चीज, अगर किसी इक्वेशन में तीन से ज्यादा टर्म होंगे, मतलब जैसे कि हमने पीरियड पता किया, G पे डिपेंड था, R पे डिपेंड था, M पे डिपेंड था, कितने पे डिपेंड था? तीन. अगर चारों पे डिपेंड होगा तो इसका एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं कर सकते. मैक्सिमम कितना? तीन. तीसरी चीज, अगर किसी इक्वेशन में डायमेंशनलेस चीजें होंगी, जैसे लॉग है, साइन है, एक्सपोनेंशियल चीजें हैं, तो वो इक्वेशन नहीं बन सकता. हम वो चीजें लाएंगे कौन से बेसिस पे? बिकॉज उनके डायमेंशन है क्या? नहीं, तो वो चीजें हम वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. चौथी चीज, हम ना दो से ज्यादा टर्म वाले इक्वेशन नहीं बना सकते, मतलब एडिशन वाले इक्वेशन डिड्यूस नहीं कर सकते. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ही कर सकते हैं, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हम डायमेंशन से बना नहीं सकते, सिर्फ उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. समझ आया? तो ये कुछ उसके लिमिटेशन हो गए. और एक इंटरेस्टिंग लिमिटेशन है कि डायमेंशन यूनिक नहीं होते. बेटा यूनिक नहीं होते मतलब, मैंने अगर तुमसे पूछा कि भाई बताओ M1 L2 T माइनस टू किसके डायमेंशन है, तुम बोलोगे वर्क के, मैं बोलूंगा टॉर्क के, एनर्जी के है. मतलब डायमेंशन से, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिक डायमेंशन है क्या? नहीं. तो एक ही डायमेंशन के अलग अलग क्वांटिटीज हो सकते हैं. ये सब क्या है? इसके लिमिटेशंस है. बस यही चीजें यहां पे लिखिए, क्लियर कर ली. देखो पहला लिमिटेशन क्या है भाई. इन मैकेनिक्स फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, इट कैन बी चेक. समझे? वही बताया मैंने, तीन से ज्यादा पे डिपेंड करेगा तो फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, सिर्फ चेक होगा. दूसरा, दिस मेथड कैन बी यूज ओनली इफ डिपेंडेंसी इज मल्टीप्लीकेशन टाइप. बताया ना, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन टाइप का ही आएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन का नहीं आएगा. The formula containing exponential, समझे, trigonometric, logarithmic function cannot be derived using this method. अगर equation में trigonometric, logarithmic and exponential है तो वो equation derive नहीं होगा, because आ ही नहीं सकता हूँ. Formula containing more than one term which are added or subtracted, like s is equal to ut plus half at square cannot be derived. समझे? एडिशन और या सब्सट्रैक्शन वाले टर्म होंगे तो इस इक्वेशन को डिराइव नहीं किया जा सकता यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. देन द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट. डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी पता नहीं कर सकते, जैसे काइनेटिक एनर्जी का एम वन वी स्क्वायर पता कर सकते हैं, लेकिन हाफ पता कर सकते हैं क्या? नहीं. तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसीलिए लिमिटेशंस है कि डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक होता है, फिजिकल नहीं होता. उसके बाद, डायमेंशंस आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक, मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन. वही तो बता रहा था मैं कि डायमेंशनल, किसी चीज के डायमेंशन यूनिक नहीं होते, एक ही डायमेंशन के कई सारे क्वांटिटीज हो सकते हैं. इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर. बता दिया कि डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या? नहीं. बोले टाइम का पावर माइनस थ्री इसलिए स्केलर, ऐसे कुछ बोल सकते हैं क्या? क्लियर है?
एक बार पढ़ लो, पहली पढ़ो। समझ आ गया, मतलब तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी होगा तो डिराइव नहीं कर सकते, सिर्फ चेक कर सकते। दूसरा, वेरी गुड बेटा, ओके बस कर ओके। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई इक्वेशन में डायमेंशनलेस चीजें होंगी तो वो अपीयर हम नहीं कर सकते, और एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले इक्वेशन इस मेथड से हम डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, तो हम डायमेंशनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एंड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन यूनिक नहीं हो से एक ही डायमेंशन के कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, और डायमेंशन से स्केलर और वेक्टर नेचर के बारे में पता नहीं चलता। क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है? देखो भाई, बहुत सारी चीजें कवर कर ली हमने, फटाफट बताओ। तीन एप्लीकेशन सीखे हमने, पहला एप्लीकेशन कौन सा है? N1 U1 is equal to N2 U2 से खेल चल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कैसे चेक करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से। देन ठीक है, फिर इसके बाद हमने डेरिवेटिव के डायमेंशन पता किए, इंटीग्रेशन के पता किए, सॉल्व किए प्रॉब्लम, फिर ये लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल के बारे में बताया, ये सारी चीजें की लिमिटेशंस देखा। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। मैच द कॉलम, बताओ डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब डायमेंशन भी चाहिए और वेरिएबल भी चाहिए। फोर्स डायमेंशन भी है और फोर्स अलग अलग वैल्यू ले सकता है, तो डायमेंशनल वेरिएबल कौन है? फोर्स। ठीक है, दूसरा पढ़ो, डायमेंशनलेस वेरिएबल, एंगल, एंगल, एंगल के पास यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है, और एंगल एक वेरिएबल चीज है, अलग अलग एंगल हो सकते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट M-1 L3, ये इसके डायमेंशन होगा। ठीक है, ये बताओ डायमेंशनलेस कांस्टेंट पाई, ना पाई का यूनिट है, ना पाई के डायमेंशन है, और पाई एक कांस्टेंट चीज है। इसके जगह ई भी लिख सकते हैं, ई भी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। कोई शक? ठीक है, ये सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, चलो करो, सब किया है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, नोटबुक में सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो चारों डायमेंशन सॉल्व करो। हो गया, जल्दी लिखो, चलो टेम्परेचर के डायमेंशन K1, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है ना M1, प्रेशर +1, ऊपर जाके -1, M1 L-1 T-2। ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, M0 L0। क्लियर है, सबका आया? करो भाई, सॉल्व करो जल्दी, फास्ट। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम जैसे होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम जैसे होते हैं,
इसका फॉर्मूला एम वी आर, ये कहाँ से आएगा, ई इज इक्वल टू एच एफ, एच इज इक्वल टू ई बाय एफ, एच इज इक्वल टू वन बाय एफ टी होता है, पता है कि नहीं, वन बाय एफ क्या होता है, टी, बोलो एनर्जी के डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन टी वन, वन माइनस टू माइनस वन, एम वन, और यही डायमेंशन किसके होंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों के डायमेंशन सेम है, ठीक है। ये देखो, ये सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो ये मैं नहीं करूंगा, आप चलो, ये टाइम दूंगा प्रॉपर, पांच मिनट दूंगा आपको, सॉल्व करो, चलो आ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, करो, आ गया, एम वी स्क्वायर बाय आर आ रहा है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर, सबको याद है सेंटीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो फटाफट डिराइव कर देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कोई फोर्स, हमें क्या करना, मास पे डिपेंड है, स्पीड पे डिपेंड है एंड रेडियस पे डिपेंड है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर एक्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर वाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर जेड, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई, आर टू द पावर जेड। तो फोर्स इज इक्वल टू के एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई, आर टू द पावर जेड, सही है। तो ये इक्वेशन अगर करेक्ट होना है तो दोनों साइड के डायमेंशन सेम चाहिए। लेफ्ट साइड में फोर्स के डायमेंशन है एम वन टी माइनस टू, के कोई डायमेंशन नहीं होते। मास के डायमेंशन एम वन उसका पावर एक्स, वेलोसिटी के डायमेंशन एल वन टी माइनस वन उसका पावर वाई, रेडियस के डायमेंशन एल वन उसका पावर जेड, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया एम टू द पावर एक्स, वन इंटू एक्स एक्स, एल टू द पावर वाई, टी टू द पावर माइनस वाई, समझ आ रहा है कि नहीं, और ये एल टू द पावर जेड, रूल्स ऑफ इंडाइसेस मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो मास की एक ही टर्म है एम टू द पावर एक्स, लेंथ के दो टर्म है एल टू द पावर वाई प्लस जेड एंड टी टू द पावर माइनस वाई, एम वन एल वन टी माइनस टू। अब ये दोनों साइड अगर सेम है तो इनके पावर हम कंपेयर कर सकते हैं, कुछ डाउट बोलो, इसके जगह ये आएगा तो बेटा x की वैल्यू वन, इसके जगह ये आएगा तो माइनस वाई की वैल्यू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू टू, ओके। इसके जगह ये आएगा तो y प्लस जेड इज इक्वल टू वन, y की वैल्यू टू प्लस जेड इज इक्वल टू वन, तो z विल बी वन माइनस टू, z इज माइनस वन, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल टू के एम टू द पावर एक्स वन, वी टू द पावर वाई टू, आर टू द पावर जेड माइनस वन। हमें पता है के की वैल्यू वन होती है, के की वैल्यू वन होती है, तो एफ क्या हो गया,
एम वी स्क्वायर बाय आर। बता कोई परेशानी? तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ऐसे। हाँ, एक पीरियड ऑफ सिंपल पेडुलम का किया, पीरियड ऑफ सैटेलाइट का किया, एंड तीसरा सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर है? वेरी इंटरेस्टिंग, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनो। सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट, ध्यान से सुन बेटा, जेई वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। एक सवाल हमेशा आएगा, इतना ईजी नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन वाला। कल के प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे सवाल आएंगे इस पे के, इसको आराम से देखो और सीखो, ध्यान से सुना बेटा। क्या होता है, जब तुम मार्केट में किसी किराना शॉप पे चले जाते हो, तो वहां पे ना इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है, बराबर,